हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्वनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। MySQL के इस ट्यूटोरियल में आज हम ये सीखेंगे कि जैम सर्वर के अंदर हम MySQL को कैसे एक्सेस करते हैं। तो इसके लिए दो मोड है बेसिकली। पहला है आपका कि हम एक GUI मोड है और दूसरा हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ और दोनों मोड को मैं कवर करूँगा इसमें। सबसे पहले तो आपको जैम सर्वर को ऑन करना होता है। ऑन करने के लिए जब आप सिस्टम ऑन करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन नहीं होता है। उस केस में आपको स्टार्ट में जाइए और यहाँ लिखिए जैम। इसके बाद जैम कंट्रोल को ऑन करिए। ऑन करने के बाद आप अगर MySQL को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए और ये स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद आप क्या करिए, अपना जो भी कोई एक क्रोम ब्राउज़र या मोजिला फायरफॉक्स को एक ब्राउज़र ओपन करिए और वहाँ लिखिए लोकल होस्ट। ठीक है, जब आप लिखते हैं तो आपके सामने एक पेज मिल जाएगा। अच्छा, इसके लिए आपको एक काम करना और होगा कि जो आपका अपाचे है उसको भी ऑन करना होगा। इसको भी ऑन कर दीजिए तभी ये वर्ड रन करेगा। देखिए, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा अपाचे को। उसके बाद आपके सामने ये एक विंडो खुलेगा। ठीक है, इस विंडो में यहाँ पे PHP MyAdmin लिखा होगा। इस PHP MyAdmin पे क्लिक करते ही आप यहाँ से MySQL को GUI मोड में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा MySQL ओपन हो रहा है जहाँ हम GUI मोड में इसको ओपन कर रहे हैं। यहाँ देखिए, मैंने कुछ डेटाबेस पहले से बना के रखा है। फिलहाल मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कोई कई बार होता है कि अगर आप इसको कमांड के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे एक्सेस करेंगे, तो चलिए इस वीडियो का मेरा यही एम है। सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं cd/। इससे हम रूट डायरेक्टरी पे चले जाते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे cd/xampp। सी ड्राइव पे हमने जैम फोल्डर इंस्टॉल किया था, XAMPP। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं cd और इसके अंदर एक MySQL नाम का फोल्डर होता है। मैं इसके अंदर जाता हूँ, इसके अंदर एक bin नाम का फोल्डर होता है, तो मैं cd लिखता हूँ bin। ठीक है, अब यहाँ पे MySQL को ओपन करने के लिए हमें एक कमांड देनी होती है। वो कमांड है MySQL -u। यू का मतलब है कि इसका यूज़र नेम क्या है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम होता है वो रूट होता है। इसके बाद आपको इसका पासवर्ड देना होता है, तो -p। इसके बाद आपको पासवर्ड, चूँकि मैंने कोई पासवर्ड अभी सेट नहीं किया है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड इसका होता है वो ब्लैंक होता है। मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। फिर यहाँ पे h का मतलब होता है ये होस्ट कहाँ पे है। तो फिलहाल ये लोकल होस्ट पे है, तो आप या तो लिखो लोकल होस्ट, ठीक है, या आप एक IP एड्रेस भी इसकी जगह लिख सकते हो। वो लिखोगे आप 127.0.0.1। ये लोकल होस्ट की IP एड्रेस होती है। आप इस पर क्लिक करते हैं, लिख के एंटर करेंगे तो देखिए आपसे पूछ रहा पासवर्ड। फिलहाल आपने कोई पासवर्ड नहीं दिया है यहाँ पे, तो आप इसको ब्लैंक रहने दीजिए और एंटर बटन पर प्रेस कर दीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ आपका MySQL ओपन का कंसोल ओपन हो गया। यहाँ से आप चाहो तो SQL की क्वेरीज एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं यही बता रहा था कि आप MySQL को कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो हमने ये भी देखा कि GUI के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।